वेरी गुड मॉर्निंग पीपल। 4 बजे उठने के लिए सोचा था पर आज भी 6 बजे उठ गया, तो मैं अभी जा रहा हूँ पार्क के तरफ बैडमिंटन खेलने के लिए। ऑलरेडी 2-3 कॉल आ गया है, तो चलो आज का दिन कैसे चलने वाला है। एक्चुअली क्या है ना, आज का दिन मस्त चलने वाला है। वी आर गोना मीट मनी क्रिएटर्स टुडे। अरे और जाना है 12 बजे को, यार इतना दूर चल चल के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अब मैं चल रहा हूँ वापस घर, यार घर जाके रेडी होके आता हूँ। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ एंड वी आर गोइंग टू साउथ एंड सर्कल राइट नाउ। आज भी एक क्रिएटिव मीटअप इवेंट है, तो देखते आज कैसे चलना वाला है। ब्रेकफास्ट तो मस्त कर लिया, नींद आ रहा है यार। आई एक्चुअली फॉरगॉट टू टेल, और एक ब्लॉगर हमारे साथ आने वाला है, दे आर गोना जॉइन मी एट द मेट्रो। शी इज ऑल्सो अ फूड ब्लॉगर। तो पूरा दिन मोस्टली आज 20 से 25 लोग आप लोग आराम से देख लोगे क्रिएटर्स को कि कैसे शूट्स वेट्स होता है फूड ब्लॉगिंग के पीछे। बस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, दिल से बुरा लगता है। इश यू हैड टू बी हियर एट 10 o'clock, ऑलमोस्ट इज 10:45 अभी तक शी इज नॉट हियर। सो फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर 1 hour शी इज हियर। मीट प्रियंका एंड डू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम nom. ओके सो आवर ट्रेन इज हियर नाउ, लेट्स गो। You had to get down at South End Circle, पर हम लोग जयनगर पहुंच गए हैं। अभी फिर से एक और स्टॉप जाना पड़ेगा। Let's see what will happen. फिर से आ गए सस्ता सिंगापुर या मलेशिया के पास। अभी वी आर वेटिंग फॉर पवन एंड 5 feet फूडी अंटिल दे कम। अरे यार इधर तो एक एक्सीडेंट माइनर वाला हो चुका है, देयर इज अ फाइट और ये बंदा तो घसीटा राम बन गया। मेरा 20 साल का तोजू बाबे, मैंने ऐसा ऐसा आर्ग्यू करने वाले को जिंदगी में नहीं देखा ही। चडी बॉय फाइनली दे आर हियर। वी हैड टू बी देयर बाय नाउ बट बेसिकली वी आर गोइंग 1 hour लेट। शी स्लिप्ड इन द मेट्रो स्टेशन एंड फेल डाउन। मेट्रो ಓಡಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಾ। ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ। गाइस आज भी हमारे 5 feet दीदी ने कपड़े को फाड़ के आ गया है, फाड़ के फटा गया है। हाँ नहीं पता इसे क्यों करते हैं यार, दिल से बुरा लगता है। कपड़े को इतना टॉर्चर क्यों देते हो और बोलते हो कि और बोलते तू डिजाइनर है। हाँ ये डिजाइनर है, घंटा सो गाइस इतना इधर कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैं कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। मैंने कब किया आपका वीडियो शूट? कब किया? इतना दूर इतना वेट करके वी आर एट कॉस्मो ढाबा। सो गाइस वी आर एट द प्लेस राइट नाउ, दिस इज द एंबियंस एंड इट इज सो फकिंग कूल। Appreciating me so much. Yeah, he doesn't take pictures. Why should I take pictures? Am I a boss, the photographer? Yes, you are. Guess her age in the comment box. This lady is almost 20, no 33 years old. Yes. Guys, this is behind food bloggers. और ये है हमारा यंगेस्ट फूड ब्लॉगर डाइन फूडीज। और जो तेरा टाइटल ले लिया अभी। हाँ मेरा टाइटल ले लिया, छीन लिया इसने, फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है। बोलो ना बोलो। आप तो ना और गेंदा कॉकरोचेस के बारे में बात कीजिए। अगला जादू। मेरा 20 साल का तजुर्बा में मैंने इतना सारा खाना एक साथ तो कभी नहीं खाया, आज भी नहीं खाया यार। फूड तो मस्त था, मस्त ट्राई कहता हूँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? या सच में नो इट्स ओके इट्स अ व्लॉग सच में बोल रहा हूँ। खाना तो बहुत अच्छा यार, दाल राइस इज रियली ऑथेंटिक। ये फिश करी का फैन हो चुके इधर, पूरा बर्तन ही खत्म हो गया ऑलमोस्ट यार। तो गाइस फाइनली आई एम गोइंग बैक टू वन मोर प्लेस राइट नाउ।
तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे मलेश्वरम कामत मेरे मम्मी के साथ से हाय इधर का जोवर का रोटी बहुत फेमस है. दिस इज हाउ दे मेक इट यार. इतना पेशेंस होना जरूरी है इसके लिए. तो गाइस फाइनली माय डे इज ओवर एंड अब हम जा रहे हैं हमारा घर वापस. बहुत नींद आ रहा है यार. टोटली अ टायर्ड फुल डे.